एक खबर और भी चल रही है जो आज व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे छाई हुई है। कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में और गुजरात में, जो वैसे तो बामसेफ के बहुत सारे टुकड़े हैं, उनमें से जो एक बामसेफ का टुकड़ा है जो कुछ मूल निवासी का टुकड़ा है जिसने बहुत सारे विंग बना रखे हैं और जो बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करता है, गुजरात में कुछ लोगों ने मिलके अपने बामसेफ के अध्यक्ष को और कुछ लोगों को निकाल दिया। वही उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में मीटिंग हुई और वहां भी उन लोगों ने उसी बामसेफ के अध्यक्ष को निकाल दिया, दो जगह से। आज उन बामसेफ के दोनों टुकड़ों के 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम लगने वाले हैं उनके पर्चे आए हुए हैं, उसमें उनके दो टुकड़े हो। ये घटना दुखद है क्योंकि समाज का जब कोई अंग टूटता है और कोई है तो दुख होता है, पर कितनी बार हम दुख झेलें और कितनी बार दुखी हो, सवाल ये है। ये तो हर साल ही 10-20 बार टूटते हैं, हर साल ही इसमें 100-200 टुकड़े हो जाते हैं, तो कितने हम दुखी हों। क्योंकि जब कोई झूठ पर आधारित प्रचार होता है और झूठा प्रचार प्रोपेगेंडा होता है विचार का, और झूठ पे आधारित जब सामाजिक काम होता है, तो उसका जो परिणाम आता है वो परिणाम जो सोचते हैं उसका उल्टा आता है। जो सपना दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वैसा परिणाम नहीं आता। तो जब परिणाम नेगेटिव आता है और खराब आता है और उल्टा आता है, तो उसमें जो सच्चे लोग हैं वो मायूस हो जाते हैं। और मायूस होने के बाद में वो क्या करते हैं कि कारण ढूंढने की बजाय जो परिणाम या जिसने अनाउंसमेंट की है या जो मुखिया है या जो नेता है उस पर वो अपनी सारी खींच निकालते हैं, सारा गुस्सा निकालते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं और फिर वो टुकड़ों में बदल जाता है। टुकड़े होने का जो सबसे बड़ा कारण है, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रसिद्धि नहीं मिली किसी को, कोई नेता नहीं बना, कोई सेलिब्रिटी नहीं बना, इसलिए झगड़ता है, इसलिए टूटता है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा आया, पैसे का बंटवारा नहीं हुआ, 2-4 लोग अपने खाते में पैसा लेके भाग गए, इसलिए टूटता है। कुछ लोग कहते हैं कि दुश्मनों से जाके, जिनको दुश्मन बोलते थे, दुश्मनों से जाके मिल गए, वहां सौदा कर लिया, इसलिए टूटता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भाई भतीजावाद या जो परिवारवाद है वो चल रहा है, या एक ही आदमी लगातार नेता बना जा रहा है, अध्यक्ष बना जा रहा है, इसलिए टूटता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही है, इसलिए टूटता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ भेदभाव है, ऊंच नीच है, यहाँ जाति का भी काम चलता है, जातिवाद भी चलता है, इसलिए टूटते हैं। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर समण संघ ने बहुत बार ये बताया है कि टूट के कारण ये नहीं है जो कारण देख के लोग टूटते हैं। टूट का कारण ये है कि वो जिस आधार पे काम करते हैं, जो उनके संगठन का स्ट्रक्चर है, जो संगठन का उनका संविधान है, वो दरअसल संघ पे आधारित नहीं है, वो संगठन पे आधारित है, वो मनुस्मृति पे आधारित है। हर बार बताया है, मगर इस बार खास तौर से आपको बताया जा रहा है ताकि आप सबको बता सकें कि ये जो बामसेफ के धड़े ये क्यों टूटे, और ये बार बार टूटेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये हर साल टूटेंगे, हर 6 महीने में टूटेंगे, क्योंकि टूटना ही इनकी नियति है, टूटना ही इनका परिणाम है। वो अपने परिणाम को ठीक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति के अंदर एक राजा होता है, एक उसका सेनापति होता है, एक उसका महामात्य यानी महामंत्री होता है, एक उसका कोषाध्यक्ष होता है, और कुछ उसके दरबारी होते हैं, चापलूस दरबारी। आपने पिक्चरों में देखा होगा, पुरानी पिक्चरों में राजा का दरबार लगता है। राजा ने जो कह दिया बस वही कानून है और वही नियम है। राजा अभी अगर ये कह दे कि भैंस चुराने पे मृत्युदंड मिलेगा, तो मृत्युदंड भैंस चुराने का कानून हो गया। और अभी 2 मिनट बाद राजा ये कह दे कि भैंस चुराने पे 100 दिनार इनाम में मिलेंगी, सोने के 100 सिक्के मिलेंगे, तो वो नियम हो गया। पूछने वाला कोई नहीं है कि भैंस चुराने पे मृत्युदंड क्यों और भैंस चुराने पे 100 दिनार क्यों। राजा की मर्जी, जैसे चाहे वैसे करे, और कोई कुछ नहीं बोलता। मंत्री तो जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, बहुत अच्छा, बादशाह साहब ने ऐसा कहा, शहनशाह ने ऐसा कहा, आलम ने ऐसा कहा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि उन दरबारियों को, उन मंत्रियों को बढ़िया खाना पीना रहना इसी बात का मिलता है। तो राज्य चलाने के लिए, राजा का दरबार चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? वो सारा पैसा जो प्रजा है, वो जो खेतों में काम करती है, मजदूरी करती है, उसका जो लगान होता है, परसेंटेज जो होता है, रेवेन्यू जो होता है, राजस्व जो होता है, हिस्सा जो होता है, वो सरकार को जाता है, वो राजा को जाता है और राजा उस पर मौज करता है। प्रजा की नहीं सुनी जाती। प्रजा कोई नियम कानून नहीं बना सकती। नियम कानून बनाने का मनुस्मृति में कोई प्रावधान नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक वही स्ट्रक्चर संगठनों में चला है। और जब से बामसेफ या उसके सक्षम जितने भी हैं संगठन बने हैं या जो पहले ही बने हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम वैसा ही है। वहां राजा होता है, यहाँ अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है। वहाँ महामात्य महामंत्री होता है, यहाँ जनरल सेक्रेटरी होता है, प्रधान महासचिव। वहाँ दरबारी होते हैं, यहाँ सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं बहुत सारे। वहां भी कोई चुनाव नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता। वहां भी दरबारी आपस में मिले हुए होते हैं, यहाँ भी जो सीसी के लोग हैं वो एक बंद कमरे में हर साल एक नाटक करते हैं कि इस बार तू अध्यक्ष बन जाए, इस बार तू जनरल सेक्रेटरी बन जाए, इसको इस विंग का बना दो, इसको बना दो। चुनाव नहीं होता। चुनाव को मतलब है कि जिन लोगों से पैसा ले रहे हैं, जो प्रजा है, क्योंकि प्रजा लगान देती है, तो यहाँ जो प्रजा है वो प्रजा हम है। क्योंकि बामसेफ जैसे संगठन चल रहे हैं, जो टूट रहे हैं, जो अभी टूटे हैं, उनको चलाने के लिए जो पैसा आता है वो कमाते नहीं है, वो पर्चियां लेके हमारे जैसी प्रजा के पास आते हैं और प्रजा से कहते हैं तुमने इतना खाया, तुम्हें इतना आरक्षण मिला, तुमने बाबा साहब का ये किया, तुम्हें बाबा साहब का 20वां हिस्सा देना है, ये बढ़िया आप कपड़ी कमीज पहने हो, ये बढ़िया आपके गाल फूले हुए हैं, ये बढ़िया खाना खा रहे हो, तो तुमने मिशन मूवमेंट क्या किया। तो धमकाते हैं और लोगों को जानकारी होती नहीं कि बाबा साहब ने कभी भी पैसे के लिए नहीं कहा। 20% टैलेंट और टाइम देना है, जो आप जानते हो वो समाज को सिखाओ, और 20% का मतलब 1 घंटे 20 मिनट आप रोज सिखाओ समाज को, रोज बताओ। ये रिसोर्सेस और टाइम बोला हुआ है, पर वो पैसा ले जाते हैं। तो वो जो पैसा ले जाते हैं, और वो जितने भी जो लोग हैं वो सारे के सारे कहते हैं कि समाज को बचाना है। तो लोग यकीन करते हैं इस बात पे, हमारे जैसे लोग यकीन करते हैं। इतने सस्ते में काम हो रहा है कि कुछ पैसा दे दिया, कहीं आना नहीं जाना नहीं, और अगर काम हो जाए, अधिकार बच जाए तो क्या दिक्कत है। पर 70 साल से अधिकार बचे नहीं, और पैसे देने वाले लोगों ने यानी प्रजा ने पूछा नहीं कि राज दरबार कैसा चल रहा है और कैसा नहीं। बस राज दरबार के टूटने की खबर आती रहती है। अब एक राजा था, अब एक राजा और हो गया, यानी कि पहले एक अध्यक्ष था, अब एक अध्यक्ष और हो गया। भाई इतने सारे अध्यक्ष बन रहे हैं तो फिर तो समस्या जल्दी सॉल्व हो जानी चाहिए, पर समस्या जल्दी सॉल्व नहीं हो रही है। इतने सारे अध्यक्ष बनने से, इतने सारे बामसेफ बनने से, इतने सारे संगठन बनने से समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, समस्या तो बढ़ रही है। क्योंकि बामसेफ के जो लोग टूटे हैं वो अच्छी तरह से इस वीडियो को सुने और ध्यान से जाने। और मैं निवेदन करूंगा कि जो इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे बाद में कल, उनको बामसेफ के कार्यकर्ता तक भेजें। क्योंकि समाज टूटता है तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो चंदा देने वाले हैं, जो सपोर्टर हैं, वो टूटते हैं, नुकसान उनका होता है। अध्यक्षों का थोड़ी नुकसान होता है, प्रेसिडेंट का थोड़ी नुकसान होता है, उनके तो मजे आ गए। वो तो दोनों प्रेसिडेंट हैं, यानी जो जिसको निकाला है वो भी प्रेसिडेंट है और जिसने निकाला है वो भी प्रेसिडेंट है। समाज पहले एक प्रेसिडेंट को झेल रहा था, अब 2 और हो गए, और हर साल ये 2-4 बढ़ जाते हैं, पर रिजल्ट तो नहीं आ रहे। क्योंकि जो तोड़ने वाले हैं, जिन्होंने तोड़ा है, वो ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, पर वो वही पैटर्न पर, वही सेम जो संगठन का पैटर्न है उसी पर तो बनाते हैं। यानी तोड़ने के बाद में जो जिन जिन लोगों ने संगठन बनाए हैं, सेम वैसे ही बनाए हैं, वही बैनर होता है, वही विचारधारा होती है, वही काम करने का तरीका होता है, वही मनुस्मृति का स्ट्रक्चर होता है। और मनु को गाली बकते हैं और मनु के स्ट्रक्चर पर काम करते हैं और सोचते हैं परिणाम आ जाएगा। अरे भाई इतना तो सोच लो, या मैं अगर थोड़े से मीठे शब्दों में कहूँ तो कहूँ कि अरे मूर्खो, इतना तो सोच लो कि जिसको तुम दुश्मन कहते हो वो संगठनवाद में नहीं है, वो तो संघवाद में काम करता है। तुम्हारी अकल कहाँ गई है? तुम कैसे चिंतक हो, कैसे विचारक हो, कैसे कार्यकर्ता हो, और तुम क्या चलाते हो समाज में? जो व्यक्ति संघवाद पे काम कर रहा है और जिसका संघ है, तुमको समझ में नहीं आती कि वो संगठनवाद पे काम नहीं करता, वो संगठन नहीं बनाता, वो संघ बनाता है। और तुम जिसका बाप का संगठन, जिसके बाप का संघ पहले था 2550 साल पहले, जिसके दादा का, जिसके बाप का संघ बनाया और जो बार बार कहता था संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, वो संघ तुम खो दिया, उसका जिक्र नहीं करते। और धीरे 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 करके तुमने 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 के 16 के 32 के 64 के 512 के 1024 के और 2048 के और 4096 के करते 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 29 लाख संगठन बना दिए, 4 लाख एक्टिवेट हैं। तो संघवाद से लड़ोगे, संघ से लड़ोगे तो संगठनवाद से कैसे जीत पाओगे? संगठन तो बहुत सारे हैं। संगठन तो ऐसे समझो जैसे माचिस की, जैसे झाड़ू की तिलियां हैं, बहुत सारी तिलियां हैं और ये बंधी हुई भी नहीं है, अलग अलग बिखरी हुई हैं, तो क्या कचरा साफ करोगे? अगर ये इकट्ठी भी हो जाती तो भी काम चलता। और टकरा किससे रहे हो? टकरा रहे हो उनसे जिन जो संख्या में तुमसे ज्यादा हो जाते हैं और संघवाद में आते हैं। तो जो लोग टूटे हैं, जिन्होंने निकाला है और जो निकले हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से सुने, इस बात पर चिंतन मनन करें कि आपने नया कुछ नहीं बनाया। आपने किसी प्रेसिडेंट को निकाल दिया, चलो वो निकल गया, वो तो वहां भी प्रेसिडेंट है और वो वहां अपना काम धंधा करता रहेगा, चंदा वंदा इकट्ठा करता रहेगा, सारा काम करता रहेगा। अब आप भी कहोगे भाई नया क्या किया आपने, क्या सोच नहीं लेके आए, क्या लेके आए? संगठन के 2 टुकड़े करके तो और कमजोर हो गया संगठन। आपने इतने सारे टुकड़े किए पर आपने संघ क्यों नहीं बनाया? अगर आपने टूटना ही था तो संगठन ना बना के संघ बनाते। तो संघ बनाए कैसे? क्योंकि पता तो है नहीं कि संघ क्या होता क्या नहीं, बस संघ संघ का नाम सुना है या दूसरे के संघ को देखते हैं, अपने संघ का तो पता नहीं। तो संघ के नियम बार बार बताए जाते हैं। हालांकि 2 संघ बन नहीं सकते। ये समण संघ है, या तो ये समण संघ सारे लोग वहां जितने भी हैं वो ये कहें कि आ जाओ भैया, क्योंकि यहाँ किसी को बुलाया तो जाता नहीं, या वो अपने आप चल के आ जाए कि हम भी समण संघी हैं, या वो संघ बनाए तो भी एक ही संघ रहेगा, क्योंकि संघ के नियम तो बदलते नहीं। तो बामसेफ के जो लोग हैं उनको संघ के नियम बताने के लिए मैं इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ। संघ का कोई फाउंडर नहीं है। पुराने जो लोग हैं बुद्ध से पहले के हैं वो संघ के फाउंडर हैं, इसलिए यहाँ किसी का नाम नहीं होता भाई। तो संघ का कोई नेता नहीं होता, कोई अध्यक्ष नहीं होता, कोई पद नहीं होता। तो यहाँ सारे बराबर हैं भाई, यहाँ ऊंच नीच नहीं होती। तो यहाँ नर को सर क्या के बोलते हैं और नारी को बहन जी क्या के बोलते हैं। तो यहाँ अकाउंट नंबर भी नहीं होता भाई, क्योंकि यहाँ चंदे का धंधा नहीं होता, चंदा नहीं लिया जाता, मगर यहाँ काम चलता है। तो ये कहे कि भाई आप चंदा नहीं लेते तो काम क्या चलते हैं, तो भैया जितने फंक्शन हुए उनको देख लो, जितनी जगह मीटिंग हो रही है एक से एक बढ़ चढ़ के हो रही है और लगातार होती जा रही है, क्योंकि लोग अपना पैसा खर्चा खुद करते हैं। अपनी गाड़ी में आते हैं तो किराया देते हैं, बस से आते हैं तो किराया देते हैं, और वहां जो खाने की फीस होती है उसको देते हैं, और वहां जो कुर्सी का किराया होता है उसे भी देते हैं, दरी का किराया, हॉल किराया उसे भी देते हैं। तो सारा पैसा वो खुद देते हैं। तो जितने आते हैं उतने देते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम में तो 100 लोग आए, हमने जी कार्यक्रम लगाना है, अब हमने संगठन बना, जो संगठन देखे ना उनके हिसाब से कार्यक्रम लगाना है, फला अधिवेशन लगेगा, अधिवेशन में पहुंचे 500 लोग और चंदा इकट्ठा कर लिया 50,000 लोगों से। अरे भाई उस पैसे का करते क्या हो? कौन से शादी जैसा पंडाल लगाते हो, क्या करते हो? यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ तो 500 लोग आएंगे तो 500 लोग ही खर्चा देंगे, 5,000 क्यों दें? जो आ नहीं रहा है वो दूसरे खर्चा क्यों दे, जो आ रहा है वो दे अपना। और फिर भी यहाँ मारा मारी है, क्योंकि लोग संघ हैं, पुराने संघी हैं, इस कंसेप्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हर एक मीटिंग में बुलाते 400 को हैं तो सोचते 400 हो जाते 650, बुलाते 100 को हो जाते 400, यानी कि संख्या प्लस आ रही है, बढ़ती जा रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50 लोगों की मीटिंग लगाई हो और 49 लोग रह गए। 50 मीटिंग लगाते हैं तो 60, 70, 80 यानी कि 20, 30, 40% फालतू ही लोग आते हैं, क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ा अनाउंस करते नहीं कि 20 लाख आ रहे हैं, 10 लाख आ रहे हैं। जितने आते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, जिन्होंने यस कहा था उतना ही बताते हैं। तो 10, 20, 30% बाद में और भी जाते हैं उनके साथ। तो अच्छी बात है, काम बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। तो जो बामसेफ के जो टूटे हुए लोग हैं, जो अधिवेशन में जिन्होंने अभी अध्यक्ष को निकाला है और खुद अध्यक्ष बने हैं, वो ये जान रहे हैं कि यहाँ समण संघ के अंदर जो डेमोक्रेसी है पूरी तरह से लागू होती है। यहाँ लोग अपनी बात कह सकते हैं, अपने नियम कह सकते हैं, और यहाँ हर बात बहुमत से होती है। यहाँ बंद कमरे में कुछ नहीं होता, यहाँ खुला होता है बिल्कुल। अगर वर्चुअल होगा तो भी खुला होगा, और एक्चुअल होगा तो भी खुला होगा। तो यहाँ एक नियम बहुत जबरदस्त है, वो नियम यह है कि यहाँ जातियाँ नहीं चलती। जाति की बात करता है या जाति की प्रैक्टिस करता है तो उसको बाहर निकाल देते, अंदर ही नहीं आने देते भाई। जाति यहाँ अलाउ नहीं है, तो यहाँ सिर्फ समण अलाउ है। तो समण का मतलब है जो वमण नहीं है वो समण है। तो यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से इस बात को माना जाता है। तो एक बात और सुन लो भाई कि ये संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, जीवन पर्यंत नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, हाँ किसी को जाना है तो जाए, पर संघ नहीं जाएगा। ना संघ कोई ब्रांच बनाएगा राजनीति, क्योंकि संघ कभी राजनीति में नहीं जाते। राजनीति संघ के पैरों की जूती होती है, जूता यानी शू होता है। जब तक वो पैर के लिए अच्छा स्वच्छात्मक काम करता रहे तब तक ठीक है। जूता काटे, संघ को काटे, या जूता ऐसा लगे कि खराब है, फायदा नहीं हो रहा है, तो फेंक दो, दूसरा बदल लो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो संघ से निकलने वाले लोग हैं वो राजनीति करें और खूब राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर संघ को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर संघ को नुकसान पहुंचाएंगे तो संघ उनको 2 मिनट में उलट पलट कर देगा, क्योंकि संघ तो सभ्य शक्ति होता है, बहुत बड़ी शक्ति होता है। संघ के पास तो सारे लोग होते हैं। तुम संघ को ही नुकसान पहुंचाओगे राजनीति में जाके तो फिर काहे के संघी हो भाई। इसलिए किसी भी हालत में संघ कभी भी राजनीति में पहले भी नहीं गया और अभी भी नहीं गया, कभी जाएगा नहीं। हाँ, ये बात जरूर कहते हैं कि जिसको राजनीति करे करे, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मशीन वोट खा जाती है इसलिए बैलेट पेपर लेके आओ, संघ के आगे निवेदन करो, संघ क्या कर सकता है, संघ जाने, संघ का फैसला संघ बताएगा, कोई नहीं बता सकता। ये अभी भविष्य में छुपा हुआ है कि संघ क्या निर्णय लेगा, संघ निर्णय ही लेगा, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति। तो यहाँ कभी टूट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती यहाँ टूट? क्योंकि यहाँ अकाउंट ही नहीं है, यहाँ कभी जिंदगी में अकाउंट बनेगा भी नहीं, संघ के कभी अकाउंट नहीं होते, क्योंकि पैसा इकट्ठा नहीं करता, तो संघ के अंदर लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। हर व्यक्ति का यहाँ राइट है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपने बामसेफ के 2 टुकड़े कर लिए आप गुजरात में और लखनऊ के अंदर, तो अब क्या चलेगा आपके यहाँ? तू इस बामसेफ का, तू इस बामसेफ का, तू मेरी बामसेफ में नहीं आ सकता, मैं तेरी बामसेफ नहीं आ सकता। अरे भाई, आपने तो जैसे जातियां होती हैं वैसे ही काम कर लिया। दरअसल ये जो संगठन जितने भी हैं ये जाति तो ही हैं। तू मेरे संगठन में नहीं आ सकता, मैं तेरे में नहीं आ सकता। यहाँ ऐसा नहीं है, संघ एक है। और जो समण है यानी कि जो वमण नहीं है, वो सारे के सारे, उनका राइट है, बर्थ राइट है, जन्मजात अधिकार है कि वो समण संघ में कभी भी आ सकते हैं। हाँ, ज्यादा काम करने वाले को यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति बोलते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को स्पोक बोलते हैं। स्पोक का मतलब है प्रवक्ता, महापुरुषों की बात को, वक्तों को बताने वाला, वक्तव्य को बताने वाला वक्ता। तो जो जिम्मेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, उनको दिन रात लगना पड़ता है, और जो जिम्मेदार नहीं है वो मौज मस्ती करें, कभी कभी आगे कभी कभी नहीं आगे, बस बात करते रहें, चलते रहें। सबको काम करना है, जीवन भी यापन करना है। तो इसलिए यहाँ आपको किसी भी हालत में कोई फार्म नहीं भरना कि आपको आना है, क्योंकि आप पहले से ही जन्मजात संघी हो। यहाँ हर व्यक्ति, बामसेफ की जितनी ब्रांचें हैं उनके जितने भी लोग हैं वो पहले से ही समण संघी हैं, पुराने समण संघी हैं, और वो समण संघ के ही मेंबर हैं, क्योंकि वो सभी उस फिलॉसफी को मानते हैं। वो भले ही अपने आप को बहुजन या मूल निवासी कहते हैं, ये बात के शब्द हैं, मूल निवासी और बहुजन, मगर समण पुराना शब्द है, सबसे पुराना, और संघ भी सभी लोगों का है और पुराना है, और भारत में प्राचीन संघ हमारा ही था। तो जो बामसेफ के टूटे हुए लोग हैं और जो इधर उधर टूट रहे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि अब आप जो काम करोगे वो एक दूसरे के अगेंस्ट में करोगे, वहां काम नहीं करोगे जहां आपको करना है। इसलिए समण को, जो संघ है, एक बार उसको आए, उसको देखें। यहाँ देखने का कोई पैसा नहीं है, ऐही पस्सी को है। ऐही पस्सी को का मतलब आइए और आके देखिए कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। आके देखेंगे तो ऊर्जा, एनर्जी बचेगी, तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज तो आगे बढ़ाना चाहते हो आप, समाज आगे बढ़ाना चाहते हो तो देखो कि यहाँ समाज कैसे काम करता है, देखना चाहिए। अगर देखोगे नहीं, दूर दूर रहोगे तो पता कैसे चलेगा। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बामसेफ को देख के आए, उन्होंने बामसेफ में जो कमियां बताई उस कमी के आधार पर उन्होंने देखा कि समण संघ में कोई कमी नहीं है। क्योंकि समण संघ में कोई आदमी अगर जाता भी ऐसे छोड़ के तो क्या लेके जाएगा? आपके यहाँ तो आपने कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने ये कह दिया कि हम फलाने फलाने अध्यक्ष को निकालते हैं और नया अध्यक्ष बनाते हैं, तो आपने निकाल भी दिया और बना भी लिया। पर समण संघ में कोई किसी को नहीं निकाल सकता, तो यहाँ अध्यक्ष ही नहीं है, यहाँ कोई पद ही नहीं है। जब यहाँ पद नहीं है या अध्यक्ष नहीं है तो कौन किसको निकालेगा, और निकालने वाला भी क्या बनेगा? इसको तो यहाँ संघ टूटता नहीं कभी, तो निकाल के कुछ इसलिए नहीं बन सकता, कोई पद नहीं है, निकालने वाले कोई पद नहीं है। फिर भी कुछ लोग यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, जिनको प्रसिद्धि चाहिए, जिनको मान सम्मान चाहिए, जिनको हीरोशिप चाहिए, जिनको सेलिब्रिटी बनना है, जिनको भाषण देना है, जिनको चेहरा चमकाना है, जिनको लगना है कि हम लंबा लंबा भाषण दें, हमारी वाह वाह हो जाए। आदमी की इच्छाएं होती हैं 70 साल से, वही तो देख रहे हैं लोग। तो अभी समण संघ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें कहना क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, किस सब्जेक्ट पे बोलना है ऐसा फर्क नहीं पड़ता, फोटो आना चाहिए, चेहरा आना चाहिए। तो समण संघ रोकता भी नहीं उनको, खूब चेहरा चमकाओ, खूब बोलो, खूब अपना सेलिब्रिटी बनो, हर व्यक्ति सेलिब्रिटी बने, हर व्यक्ति चेहरा चमकाए, खूब बोलो। उसके बहुत सारे तरीके हैं, पोर्टल पे जिसको बोलना है आधा घंटा बोले, 20 मिनट बोले, 30 मिनट बोले, खूब बोलो जम के। ये तो रात भर खुला रहता है, दिन भर खुला रहता है, किसने मना किया है? सभा में अपना नाम लिखवा दो, अपना सब्जेक्ट लिखवा दो, क्या करना है बोलो, वहां पे बाद में बोलो, पहले बोलो, कौन रोकता है? और इससे भी आसान तरीका है कि अगर बताने का शौक है, बोलने का शौक है, प्रैक्टिस करने का शौक है, तो संडे को यहाँ मीटिंग लगती है सुबह को, उसमें प्रैक्टिस कर लो। अरे उसमें भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो तो अपनी वीडियो बनाओ, वीडियो बना के, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आपको इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए कि आप हीरो बनेंगे या सेलिब्रिटी बनेंगे, आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे और वो आगे बढ़े, लोग आपको देख के उसको फॉलो करें। और सेलिब्रिटी तो आप ऑटोमेटिक बन ही जाओगे जब अच्छा बोलोगे और अच्छा काम करोगे। तो समण संघ तो आगे बढ़ाता है, इसलिए समण संघ किसी को रोकता भी नहीं है। तो जितने भी लोग जो बामसेफ से टूटे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुने और वो इस बात को देखें कि आप जो चाहते हो कि संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, तो भाई बचाओगे कैसे? संघ को, अपने संगठनों को तोड़ तोड़ के क्या बचाओगे? खुद ही बच जाओ, वही बतेरा है। जिससे लड़ने जा रहे हो वो तो आपको देख के हंसता है कि ये बार बार टूट जाते हैं, और कमी आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपकी नियति टूटने की, परिणाम संगठनों के टूटने के आएंगे ही, क्योंकि वो मनुस्मृति पर आधारित है। तो समण संघ मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। समण संघ पुराने संघ पे, जो बुद्ध से पहले का संघ था हमारा, जिसमें सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध को भी सजा मिली थी देश निकाले की, और जो बाबा साहब ने सारे नियम वहां से लिए और जो बुद्ध ने विनय पिटक बनाए और जो कब से चला आ रहा है, उसी संघ पे आधारित सारे के सारा ये बना हुआ है। तो ये इतना गजब का है, इतना कमाल का है कि इसमें कोई व्यक्ति अगर नेता बनना चाहे तो बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई पद नहीं है, इसमें कोई नेतागिरी का काम नहीं होता। अगर कुछ लोगों ने, मान लो 4-5-6 लोगों ने गुट बना लिया सपोज, क्या सोच के हमारा चेहरा चमकना चाहिए, हमारा नाम चमकना चाहिए, ये संघ हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ये संघ पे हमारी चलनी चाहिए। तो संघ किसी के हिसाब से नहीं चलता भाई। कोई माइका लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो भारत के इस प्राचीन संघ को अपने हिसाब से चला ले और गुट बना के चला ले, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नियम इसकी जान है और नियमों पर जो आधारित लोग चलते हैं उनको चलना पड़ेगा। तो कोई नया नियम बना नहीं सकते आप, तो कंट्रोल कैसे करोगे? वो तो हाउस से पास होता है। तो नियम जो बनेंगे, प्राकृतिक नियम जो आ रहे हैं वही नियम बनेंगे, कैसे भी घुमा फिरा के बनाओगे तो समता पे आधारित नियम तो एक ही रहते हैं। कैसे कहोगे छोटा बड़ा? इसमें किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि समता पे आधारित है, समानता पे आधारित है, सारे बराबर हैं। हाँ, काम के आधार पर जरूर ये कह सकते हैं कि ये काम ज्यादा करता है, ये काम कम करता है, तो यहाँ रोकते भी नहीं है। किसी ने कम काम किया है वो भी बोलता है, किसी ने बहुत काम किया है वो भी बोलता है। तो बेशक ज्यादा काम करने वाले का मान सम्मान लोगों की निगाह में ज्यादा होता है, मगर छोटा काम या कम काम करने वाले की यहाँ इंसल्ट और बेइज्जती नहीं होती। हाँ, अगर वो उसकी इच्छा ज्यादा आ जाए तो थोड़े समय बाद अपने आप ठंडी हो सकती है, मगर जो संगठन है, जो बामसेफ है, उसमें दिक्कत है। उसमें बैक बाइटिंग बहुत होती है, चुगली बहुत होती है, नेतागिरी बहुत होती है, एक दूसरे को काटना मारना बहुत होता है। ये सारी चीजें संगठनों में चलती हैं और ये उनका नियम है और वो चलेंगी ही। और लास्ट में वहाँ पैसे का बंटवारा भी होता है, कौन कितना पैसा खा गया, किसका कितना नाम आया, और नाम को आगे बढ़ाने का भी चलता है, बैनर पे किसका नाम है किसका नहीं। समण संघ में बैनर पे नाम चलता है, समण संघ पे तो बस फोन नंबर जाते हैं, वो भी किसी के जाते हैं, वो भी इसलिए कि लोग कांटेक्ट कर लें, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। संघों को कहाँ जरूरत पड़ी है किसी के नाम लगाने की, फोन लगाने की। तो ये वो सारे नियम हैं जो एक संगठन, बामसेफ जैसे संगठन को सीखने चाहिए और समझने चाहिए। हमारा उनसे एक आमंत्रण है, एक इनविटेशन है कि भाई आप समण संघ को आइए और देखिए। अगर आप समण संघ को नहीं देखते, नहीं आते, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बार बार टूटते क्यों हैं और क्यों आपके टुकड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं पैसे का बंटवारा नहीं हुआ, कहीं कोई नेता ऐसा हो गया या उसने कुछ कहा, ये कारण नहीं है। पहले हम भी ये समझते थे, जब तक हमने संघ को स्टडी नहीं किया, हमने समण संघ को नहीं जाना, हमने जो विनय पिटक के नियम नहीं देखे, तब तक हम भी ये समझते थे कि नेता चोर है, नेता ऐसा है, इसमें इसकी ये इच्छा है, वो इच्छा है, पैसा लेना चाहता है, पोजीशन चाहता है, पद चाहता है, जीवन भर अधिक चाहता है, भाई भतीजावाद चाहता है। ऐसा नहीं है, ये उसके सारे के सारे परिणाम हैं जिस मनुस्मृति के आधार पर ये संगठन बने हुए हैं। आप लाख कोशिश कर लेना और 10,000 अध्यक्ष बदल लेना और 10 बार आप कार्यकारिणी बदल लेना, परिणाम वही आएगा, टूट। अंत में टूट होनी ही होनी है, पर आप तब तक गुलाम बन जाओगे, तब तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट ही करते रहोगे। ये जो नया संगठन जो टूट के बना है, जो नया टुकड़ा हुआ है, कुछ समय बाद ये टूट जाएगा। क्योंकि आपकी जो नींव रखी गई है वो नींव असंतुष्टि पे है, वो नींव ईर्ष्या पर है, वो नींव ज्वेलसी पे है, और वो सारे सिद्धांत मनुस्मृति के हैं। जो इन्होंने मनुस्मृति बनाई वो संघवाद में आ गए, और जो संगी थे, जो असली संगी थे, वो मनुवाद पे आ गए, मनुस्मृति पे आ गए। ये हमारी हार है, यहाँ हारते हैं हम। तो अगर हारना नहीं है तो संघ में आना है, और संघ में आके जोड़ना है। जिद्द हमारी जोड़ने की है, जिद्द हमारी जुड़ने की है। जो जुड़े हैं वो जीते हैं। जब जुड़े हैं तब जीते हैं। जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं। इसलिए अगर आपको जीतना है तो आपको जुड़ना होगा, आपको संघ में आना होगा। और सारे के सारे लोग जो नागपुर के हमारे वासी हैं, नागपुर के हमारे समण संघी हैं, उनका धन्यवाद करो कि आपकी एक जो 250 लोग वहां पहुंचे परिवार के साथ में, उनकी बात मानी गई। जो आपने वीडियो बनाई, जो आपने कंसेप्ट में उनको कहा, कठोर शब्दों में कहा, उन्होंने उस बात को सर माथे पे लिया और उस नियम को माना कि सही बात है, क्योंकि हम सारे भाई भाई हैं। अगर कहीं अच्छी बात नहीं, कठोर भी होना पड़े तो होना चाहिए, परिणाम जब ही आएंगे। नागपुर वाले ने अगर ये ऐलान कर दिया है कि हम एक जयंती मनाएंगे, एक शहर में एक ही अम्बेडकर, तो आपको ये प्रचार पूरे देश में कर देना चाहिए कि नागपुर से ये आवाज आई है, दीक्षा भूमि से, सारे दीक्षा भूमि इकट्ठे हो रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को एक शहर में एक अम्बेडकर, एक जयंती मनानी चाहिए। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन ले लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्मं शरणं गच्छामि। ओम शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं संगम शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। संगम शरणं।